सलमा चिड़िया की सुंदरवन जंगल में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से सलमा अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाती थी। सलमा जिस छोटी सी दुकान को चला रही थी वो भी उसने 1200 रुपए किराए पर ले रखी थी। महीने भर में जो भी सलमा कमाती उसमें से 1200 रुपए उसे दुकान के किराए के लिए निकालने ही पड़ते थे। ऊपर से एक छोटा सा घोंसला जिसका किराया 1500 रुपए भी उसे महीने की कमाई में से निकालना पड़ता था। सलमा के परिवार में उसका बेटा अब्दुल और बेटी रेशमा थी। रह सहकर कमाई गुजारी के लिए बहुत मुश्किल थी। एक दिन सलमा दुकान पर जाने लगी। उसकी बेटी रेशमा बोली, अम्मी कल ईद है, मेरे लिए क्या लाओगी? मुझे नया सलवार कमीज लेना है, बिल्कुल रजिया जैसा। कल रजिया के अब्बा लाए हैं, गुलाबी और नीले रंग का बहुत सुंदर सलवार कमीज है, मेरे लिए भी लाओगी ना अम्मी? बोलो ना। बढ़िया ही सलवार कमीज लेने वाली। अम्मी तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाली हैं। देखना मेरे लिए लाएंगी अम्मी, और कल की ईद ही मुझे ही मिलेगी। बच्चों जाओ बाहर जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर सलमा अपनी दुकान के लिए निकल जाती है और दुकान पर बैठे बैठे सलमा अल्लाह से कहती है, या अल्लाह मैं ही शायद अपनी औलादों को कोई खुशी नहीं दे पा रही हूँ। मेरी गरीबी मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े आ जाती है, क्या करूँ अल्लाह। सलमा भले ही गरीब थी फिर भी वो अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी। दुकान पर जाते हुए वो रोजाना मस्जिद होते हुए जाती थी। वो दुकान पर जैसे ही पहुंची, एक कल्लू मियां कुछ आवारा पक्षियों के साथ वहां आया और सलमा से बोला, सलमा निकालो हफ्ते के पैसे, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें छोड़ दिया था पर आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। दुकान चलानी है तो मेरा हिस्सा भी टाइम पर दिया करो। कल्लू मियां मेरी इस महीने बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, दुकान और घर का किराया देना भी बाकी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है। यहाँ बाजार में सभी दुकानदार मुझे अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तुम्हें भी देना है। परसों ईद है, कल मैं फिर आऊँगा, मेरे पैसे तैयार रखना। कल्लू मियाँ सलमा को अगले दिन आने की धमकी देकर चला जाता है। सलमा मायूस होकर घर वापस आ जाती है। पूरी रात वो सोच में रहती है कि अगले दिन कल्लू मियाँ आएगा और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कल्लू मियाँ एक आवारा पक्षी था और सलमा को अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। वो अल्लाह को याद करती हुई पूरी रात सोचती रही। अगले दिन वो दुकान के लिए उठी और जल्दी जल्दी में बिना कुछ बोले घर से निकल गई। रोजाना की तरह वो जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, उसने देखा कि कौवी जमीन पर बेहोश होकर गिर गई है और एक छोटा बच्चा उसके बराबर में रोने लगा। कई पक्षी कौवी के नजदीक से होकर गुजरने लगे पर किसी ने उस कौवी और उसके बच्चे की मदद नहीं की। सलमा तेजी से कौवी के पास गई और बच्चे को उठाकर सलमा सीधा अस्पताल पहुंची। डॉक्टर बुलबुल ये रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी, आप जरा देखिए ना। डॉक्टर बुलबुल उस कौवी का चेकअप करती है और सलमा से कहती है, थकान की वजह से इनका बीपी हाई हो गया था जिसकी वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई थी। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मैंने दे दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर हैं। होश में आते ही आप इन्हें इनके घर ले जा सकती हैं। कुछ टाइम के बाद उस कौवी को होश आया, उसने देखा कि उसका बच्चा सलमा की गोदी में है। कौवी को याद आया कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? ये आपको यहाँ लाई है, अगर ये आपको यहाँ नहीं लाती तो आपकी जान को खतरा था, आपके बच्चे को भी इन्होंने ही संभाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम मरियम कौवी है, आपने आज मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे को संभाला, आप जरूर ही खुदा की कोई नेक बंदी है। जी ये आपका पर्स जब आप बेहोश हुई थी आपके हाथ से गिर गया था। मरियम कौवी पर्स में से मोबाइल निकाल कर अपने शौहर को फोन करती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका शौहर फौरन अस्पताल आ जाता है। मरियम कौवी के शौहर को देखकर सलमा हैरान हो जाती है। मरियम कौवी का शौहर और कोई नहीं बल्कि कल्लू मियां होता है जो सलमा से हफ्ते के पैसे जबरन हड़पने आता था। मरियम कौवी कल्लू मियां को सारी बात बताती है। कल्लू मियां सलमा को देखकर और मरियम कौवी की बातों को सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। वो सलमा से कहता है,
सलमा बहन, आज आपने मेरी बेगम और मेरी इकलौती औलाद मेरे बेटे की जान बचाई। आपने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई और होता तो कुछ भी कर सकता था, पर अल्लाह के रूप में आप आ गई। सलमा बहन, आपका मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज तक मैंने गरीब की मेहनत के पैसों को लूटा है। शायद ये अल्लाह ने मुझे सबक दिया है। मैं कसम खाता हूँ कि कभी किसी गरीब की मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर कब्जा नहीं करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दो। कल्लू मियाँ, आपने अल्लाह के आगे अपने गुनाह मान लिया, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह तो यही कहते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना ही अच्छी पक्षी होने का सबूत है। सलमा बहन ने हमारी इतनी मदद की है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। कल ईद है और ईद के पाक दिन पर आप सलमा को उसकी मेहनत के सारे रुपए लौटा दीजिए, आपके गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे। कल्लू मियाँ सलमा के सारे पैसे लौटा देता है और दोबारा किसी भी गरीब पक्षी के साथ ऐसा बर्ताव न करने की कसम खा लेता है। घर आकर सलमा बच्चों के लिए नई नई कपड़े और जूते लेकर जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अगले दिन सलमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद मनाती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ रानी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब वो पूजा करने के लिए फूल तोड़ने जा रही थी, उसी समय एक जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में रानी चिड़िया की मौत हो जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटी थी। तब टुनटुनी की देखभाल करने के लिए उसका पिता टुन्नू चिड़ा टूनी नाम की एक चिड़िया से शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक टूनी चिड़िया टुनटुनी की अच्छी तरह से देखभाल करती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और टूनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। तब वो टुनटुनी पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। टुनटुनी भी अपनी माँ की तरह दुर्गा माँ की भक्त थी। नवरात्रि शुरू हो गई थी। टुनटुनी सुबह सुबह तालाब पर नहाने के लिए जा रही थी, तभी टुनटुनी को टूनी चिड़िया जाते हुए देखती है और कहती है, अरे ओ दुर्गा माँ की भक्तन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? माँ, नवरात्रि शुरू हो गई है और मैं दुर्गा माँ के लिए फूल लेने जा रही हूँ। ज्यादा देर करूँगी तो फूल नहीं मिलेंगे और आते समय तालाब पर नहाती भी आऊँगी। तुझे कहीं नहीं जाना, चल चल घर जल्दी से, पहले घर का काम खत्म कर फिर चली जाना। टुनटुनी सर झुका कर काम करने लगती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाह रही थी और मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी। हे दुर्गा माँ, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी से सारा काम खत्म कर लूं और आपकी पूजा शांति से करूं। टुनटुनी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती है और तालाब पर जाती है। नहाने के बाद टुनटुनी फूल तोड़ने जाती है, लेकिन उसे फूल कहीं नहीं दिखता। सारे पक्षी फूल को तोड़ चुके थे। फूल न मिलने के कारण टुनटुनी रोने लगती है। आज नवरात्रि के दिन फूलों के बिना मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी? वो रोए जा रही थी, तभी रानू तोती वहाँ से गुजरती है। वो उस समय पूजा करने के लिए जा रही थी। जब उसने टुनटुनी चिड़िया को रोता देखा तो वो उससे पूछती है, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है कि आज तुम्हारी माँ ने फिर से मारा है? नहीं नहीं रानू तोती, मुझे आज दुर्गा माँ पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिले हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। बस इतनी सी बात है, तू ये ले फूल, मैं तुझे फूल देती हूँ। मैंने आज कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिए थे। फूल पाकर टुनटुनी खुश हो जाती है और खुशी खुशी दुर्गा माँ की पूजा करती है। अगले दिन अपनी माँ के उठने से पहले ही टुनटुनी घर का सारा काम कर देती है। तभी टूनी की बेटी रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देखकर टूनी चिड़िया टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, सुबह सुबह तू क्या कर रही है? कमबख्त
चैन से सोने भी नहीं देती। अगर तू आज दुर्गा माँ की पूजा करने गई, तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी सहम जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूँगी, तुम आराम से सो जाओ। तभी टुनटुनी के हाथ से एक प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज़ सुनकर टोनी गुस्से में टुनटुनी को मारने के लिए आती है। करमजली कुल लक्षड़ी, आज मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी, देखती हूँ आज तुझे बचाने कौन आता है। टोनी टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगती है। पीटते पीटते टोनी चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या हो गया, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मेरी आंखें जल रही हैं, अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मैं अंधी कैसे हो गई। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी समझ जाती है उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल दुर्गा माँ ने दे दिया है। एक बहुत बड़े जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का भी परिवार रहा करता था। कड़कनाथ कौवे का एक बेटा था कालू कौवा, वो बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सारे पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से बातें कर रही थी। बंटी, बड़े दिनों बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है, हम अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हाँ टुनटुनी, तू ठीक कह रही है, और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सकें और सबका आदर सत्कार करें। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना, कालू कौवा सभी पक्षियों को कैसे परेशान करता रहता है। वो दोनों अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी भोजन की तलाश में जा रहा था, तब टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, भूरी बेटी हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम घोंसले में ही रहना, अगर कालू कौवा तुमसे खेलने को कहेगा तो तुम उसके साथ मत खेलना। ठीक है माँ, मैं घोंसले में रहकर आपका इंतजार करूंगी और किसी के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊंगी। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर चले जाते हैं। उनके जाने की थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। भूरी, अरे ओ भूरी, ये ले, मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ, जरा खाकर तो देख, ये कितने स्वादिष्ट हैं। तब भूरी कहती है, कालू कौवा भैया तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मूंगफली नहीं खाऊंगी, मेरी माँ ने मुझे तुमसे बात करने को मना किया है। ये सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके भूरी से गिलास पानी मांगता है। भूरी संस्कारी चिड़िया थी, वो कालू कौवे को ठंडा पानी पीने को देती है। पानी पीकर कालू कौवा भूरी की खूब पिटाई करता है और कहता है, अपनी माँ को बता देना कि तेरी ये हालत मैंने की है, तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरी दर्द से कराह रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर आते हैं, तो अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाते हैं। भूरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब टुनटुनी गुस्से में कालू कौवे के घर जाती है। उस समय कालू कौवे का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। कड़कनाथ भैया, आपके बेटे ने मेरी बेटी को मार मार कर अधमरा कर दिया है, अपने बेटे को संभालो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। टुनटुनी की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घोंसले से बाहर निकलती है। टुनटुनी चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो तुम बहुत घमंडी हो गई हो, मेरा बेटा तुम्हारी आँखों में चुभने लगा है। ये देखो, मेरा बेटा बैठ कर पढ़ाई कर रहा है, कल उसका इम्तिहान है, तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, अब जाओ यहाँ से। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटे की शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घटना के कुछ दिनों तक कालू कौवा शांत रहता है। एक दिन जब वो खेलने जा रहा था, तो वो देख
लगता है कि जिगरबाज का बच्चा अपने घोंसले में अकेला था। कालू कौवे से पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जब इस बात का पता जिगरबाज को चलता है तब वो अपने साथियों के साथ मिलकर कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है। इस हमले में कालू कौवा और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कालू कौवे के बुरे कर्मों का फल उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।